थाना पिनाहट पिडोरा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले हेलो गैंग के 7 साथियों को दबोच लिया, जिसमें एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए ठगों से भारी मात्रा में माल बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम ने साइबर क्राइम अपराधियों पर अंकुश लगाने में जुटी हुई है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हेलो गैंग के 7 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैंग से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि ये सभी लोग फर्जी कंपनी बनाकर नौकरी देने, ATM, गूगल पे, फोन पे, फर्जी एडवर्टाइजमेंट तथा तरह तरह के प्रलोभन लालच देकर लोगों को फंसाते हैं। ये गैंग ठगी का कार्य भारत के अलग अलग राज्यों में गैंग बनाकर करते हैं। गिरफ्तार गैंग से एक लैपटॉप, 38 मोबाइल फोन, 35 फर्जी सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड, एक कार, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। नवभारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से राजीव कंचन की रिपोर्ट। गिरफ्तारी हुई है और क्या क्या इससे बरामद की हुई है? कल रात साइबर टीम द्वारा और पिनाहट और पिडोरा बसायरेला मनसुखपुरा थाना टीम के द्वारा दबिश मारा गया है। इस दबिश में हेलो गैंग का 7 लोग गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 5 लोग रिठाई थाना बसायरेला का, सॉरी थाना पिडोरा क्षेत्र का है और 2 पिनाहट क्षेत्र का है। तो इनमें इन लोगों से एक लैपटॉप, 38 मोबाइल फोन्स और 35 सिम कार्ड्स, 4 ATM कार्ड, एक कार, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। किस तरह से ये वर्क करते थे? तो ये आप पहले से ही जान रहे कि हेलो गैंग एक इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि ये न्यूज़पेपर्स, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स, गूगल, फेसबुक और लोकेंटो, जिस तरह की पोर्टल्स में एडवर्टाइजमेंट्स, पेड एड्स देते हैं, उस तरह की देते हैं जैसा स्पा सर्विसेज या एस्कॉर्ट सर्विसेज, इस तरह के एड्स देकर उसमें अपना मोबाइल एडवर्टाइज करते हैं, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पे ऊपर जो फोन्स आएंगे तो ये लोग उन लोगों से व्यापार, मतलब जो सेल्समैन बन के बात करके उनसे रजिस्ट्रेशन तौर पर पैसा लेंगे। बहुत कम मात्रा में जितना इन लोगों से पॉसिबल है उतना, 500 से लेकर 2500-3000 तक छोटे छोटे अमाउंट्स में एडवांस तौर पर लेकर बाद में उनका कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, बस वो पैसा लेकर अपना कॉल बंद कर देंगे। इस तरह से कई लोग ठगी करके अपना पैसा बनाते रहे। यूपी के अलावा कहीं और भी उन्होंने इस तरह कुछ काम किया है? ये ज्यादातर बाहरी क्षेत्र में ज्यादा करते हैं, स्पेशली राजस्थान, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली और महाराष्ट्र, केरला वगैरह। तो इन लोगों का यही है कि जहां इन लोग रहते हैं वहां कोई कार्रवाई नहीं रहता है। और इन लोग का करने का तरीका भी 2 पार्ट्स में रहता है। जो न्यूज़पेपर में एड देकर और पैसा जो कलेक्ट होता है वो बैंक अकाउंट्स में लेने की काम एक गैंग करती है और जो फोन में बात करने वाला काम दूसरे काम गैंग करते हैं। जनरली जो बच्चे फोन में, जो इन लोग जो फोन बात करते हैं, इन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से बात करना है। उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, उस स्क्रिप्ट अनुसार ये लोग उन लोगों से बात कर उनसे पैसे लेने के लिए कोशिश करते हैं। सर, डाटा कहाँ से प्रोवाइड होता है इनके पास? इन लोगों से संपर्क में आते हैं, डाटा कहाँ से प्रोवाइड होता है? ये न्यूज़पेपर एड देते हैं, उस न्यूज़पेपर एड में अपना मोबाइल नंबर पब्लिश कराते हैं तो उस पे अपने आप फोन आते हैं। कितने लोगों को शिकार ब्रांच में होंगे, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है? अभी ये लंबा विवेचना लगता है क्योंकि इसमें हर एक चीज को हम बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है। तो जितने CDR निकलवाएंगे उनसे, जिस मोबाइल नंबर से इनके वार्ता हुई वो निकलवाएंगे और इनका बैंक अकाउंट भी छानबीन करेंगे।